This conference will now be recorded. जी जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को डिस्कस करते हैं कि इनइक्वालिटी होती क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहला हमारा टारगेट इनइक्वालिटी को डिस्कस करते हैं, तो आ जाएं। एक आपने जो पहले पढ़ा हुआ है दैट इज इक्वेशन, जिसे आप इक्वेशन भी कहते हैं, और इसको उर्दू में कहा क्या कहा जाता है, मुसावात। होता यह है कि जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन होगा उसको इक्वेशन कहा जाएगा। अगर इक्वेशन दोनों साइड में के दरमियान में अगर इक्वल का साइन होगा वो इक्वेशन होता है, और इसको सॉल्व करने के कई मेथड हैं, उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। उसके बाद इक्वेशन के बाद आ जाता है इनइक्वालिटी। अब अगर इनके दरमियान इक्वेशन का साइन नहीं है, कोई और साइन है, तो उसको इनइक्वालिटी कहा जाता है। इनइक्वालिटी का साइन इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में भी होता है। इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ये कोई भी हो सकता है। इनइक्वालिटी का साइन इनमें से कोई भी हो सकता है। इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये डिफरेंट साइन। अब हमारी अकाउंटिंग लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास ये साइन सबसे मशहूर है, और ये साइन का ताल्लुक इसके साथ है, और हम इसको इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं समझा जाता लीनियर प्रोग्रामिंग में। वैसे तो आपको पता होगा कि ये जो साइन है ग्रेटर देन सिक्स का मतलब है सिक्स से बड़ा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स का मतलब है छह भी है और छह से बड़ा भी है। इनमें फर्क ये होता है कि अगर इक्वल का साइन आ जाए तो इसके इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर भी इंक्लूडेड है और उससे ग्रेटर भी इंक्लूडेड है। अब उसके बाद सो दैट मैं कहता हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि जैसे मैं लिखता हूं फाइव ग्रेटर देन है थ्री से, या मैं लिख देता हूं सेवन लेस देन है ट्वेल्व से, ये इनइक्वालिटीज का साइन है। ये कौन सा साइन है? इनइक्वालिटी का साइन। अब इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उन रूल्स के साथ साथ मैं सारे एक दफा रूल दोबारा पढ़ाऊंगा आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। सबसे पहला रूल कि सपोज दैट मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन 15, सॉरी 10 ग्रेटर देन 8, 10 ग्रेटर देन 8, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर मैं दोनों साइड पे कोई सेम नंबर ऐड करता हूं, सपोज दैट 10 प्लस 5 किया और 8 प्लस 5 किया, तो तब भी ग्रेटर का साइन ग्रेटर ही रहेगा। आप देख लो 15 ग्रेटर देन 13, 15 ग्रेटर देन 13। तो कहता है कि अगर आप लोग, पहला रूल बन गया, अभी पहले रूल पूरा करने के बाद लिखते हैं रूल नंबर वन, ये दूसरी साइड पर आप लिखें कि अगर लिखा होता 10 लेस देन 15, 10 लेस देन 15, मैं दोनों साइड पे सेम नंबर कोई माइनस कर देता हूं, दोनों साइड पे कोई सेम नंबर माइनस कर देता हूं। सपोज 10 माइनस 3 15 माइनस 3, तो अब जरा गौर फरमाएं 7 लेस देन है 12 के, फिर भी वो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू की ट्रू है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू की ट्रू है। ओके होगी बात कि 7 लेस देन 12 ही है। अब रूल बन गया कि अगर दोनों साइड पे कोई सेम नंबर प्लस कर दिया जाए
या दोनों साइड पे कोई सेम नंबर माइनस कर दिया जाए, इन इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। ये आप लिख लें अपने अल्फाज में कि अगर इन इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे कोई सेम नंबर प्लस कर दिया जाए या कोई सेम नंबर माइनस कर दिया जाए, सेम नंबर प्लस कर दिया जाए या कोई सेम नंबर माइनस कर दिया जाए, तो इन इक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, लेस है तो लेस रहेगा। उम्मीद है ये बात आपने लिख ली होगी, अगर नहीं लिखी तो अभी फौरन से पहले लिख लें, स्पीड मारें। अगर आपने पहले ये बात नहीं लिखी तो जल्दी से काइंडली ये बात लिख लें। अगली चीज, दूसरा रूल। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखें, शायान भाई पूछ रहे हैं कि ये रवियन है। हाँ जी, रवियन ही चल रही है। रवियन से मुराद कि आज हमने पहला टॉपिक शुरू किया है और आज से ही, क्योंकि कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया था तो उनको मसला था, तो इसलिए फिर हमने यही प्लान किया है कि अब शुरू से ही काम शुरू करते हैं। और अब ये फिजिकल क्लासेस भी आएंगी तो अब रिवीजन पॉसिबल नहीं होगी। अब हमने अपना पहला टॉपिक लीनियर प्रोबिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला ऐसे वन बाय वन टॉपिक चलता रहेगा। चले जनाब, नेक्स्ट रूल नंबर टू। दूसरा ये रूल है कि सपोज दैट मेरे पास लिखा हुआ है 9 greater than 5। मैं दोनों साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूं और मल्टीप्लाई करने वाला नंबर पॉजिटिव है। मैं दोनों साइड से नंबर मल्टीप्लाई करता हूं और मल्टीप्लाई होने वाला नंबर पॉजिटिव है, मतलब 9 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 5 को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 27 greater than 15। तो ये बात भी हुई। तो रूल नंबर टू क्या हो गया, अगर इन इक्वालिटी के बोथ साइड के ऊपर कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इन इक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इफ अ पॉजिटिव नंबर, अगर एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, मल्टीप्लाइड बाय बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज्ड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। डन। ये पेपर में एक सवाल भी आया हुआ है इस रूल से, एक नंबर का। उससे अगला रूल, रूल नंबर थ्री। टोटल 4 रूल्स हैं इसके, लेकिन हमारी बुक में 3 रूल लिखे हुए। तीसरा रूल है जनाब, कि अगर दोनों साइड पे कोई अच्छा एक बात और भी सुन ले, मल्टीप्लाई लिखा हो या डिवाइड लिखा हो बात एक ही होगी। मल्टीप्लाई या डिवाइड जब भी लिखा होगा तो एक ही बात होगी, ठीक है। तो इफ पहले हम लिख लेते हैं 9 greater than 5 से। अब अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड पे तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रूल, मतलब अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करूं ना -3 से और 5 को भी मल्टीप्लाई करूं -3 से, तो जो ग्रेटर का साइन है वो लेस होगा और अगर लेस का साइन होगा तो ग्रेटर हो जाएगा। अगर ग्रेटर का साइन है तो लेस हो जाएगा और अगर लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। तो अब देखें जरा, -27 less than -15, आपको पता है ना नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअल में छोटा नंबर होता है। नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअल में छोटा नंबर होता है, राइट? चलेंगे, नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअल में छोटा नंबर होता है।
की बात। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जनाब रूल नंबर 3, आप लिख लें सॉरी, कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो साइन चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी से अगर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये बात लिख लो, इफ अ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। ओके की बात। रूल नंबर 4, अगर मेरे पास एक नंबर 12 है ग्रेटर देन दूसरा नंबर 8 है, और अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दूं, तो 1/12 कर दूं और इसको 1/8 कर दूं, तब भी ये साइन चेंज हो जाता है। अगर मैं रेसिप्रोकल बोथ साइड्स का ले लूं, साइन फिर भी चेंज हो जाता है। तो ये बात भी लिखें काइंडली, इफ टेकिंग, इफ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, साइन विल बी चेंज्ड। मतलब ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ये हमारे 4 रूल है इनइक्वालिटी के। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी के, ठीक है? और आपने अपने अपने कैलकुलेटर भी साथ रखा करें, क्योंकि आज हमने इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लेना है इंशाल्लाह। और बेसिक जो हमने शेडिंग की थी वो बेसिक शेडिंग से तक पहुंच जाना है हमने, ताकि रिवीजन करते हुए वो इतनी कोई बड़ी चीज भी नहीं है और बड़ा मसला भी नहीं है। आ जाओ जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल हमने लिखा 5x+10 less than 30, 5x+10 less than 30। अच्छा एक बात याद रखें, ऊपर रूल्स की हद तक तो हमने लिख लिया, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूं जिसके ऊपर आपको रूल्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। कोशिश करनी है क्वेश्चन के अंदर एक्स का साइन पॉजिटिव रखना है। क्या कोशिश करनी है? कोशिश ये करनी है एक्स का साइन पॉजिटिव रखना है, तो फिर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। याद रखें, अगर आपने नेगेटिव कर दिया ना एक्स का साइन, फिर आपको एंड पे इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करना पड़ेगा। दोबारा सुने, आपने कोशिश ये करनी है कि एक्स का साइन पॉजिटिव रखना है। कोशिश क्या करनी है? एक्स का साइन पॉजिटिव रखना है। क्लियर होगी बात। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी 5x(-30-10)। मैंने 10 को माइनस कर दिया, और आपको पता है माइनस करने से साइन चेंज नहीं होता, ना प्लस करने से साइन चेंज होता है ना माइनस करने से साइन चेंज होता है, ठीक है? तो अब मेरे पास क्या आ गया, 5x(-20)। अब 5 उधर जाकर डिवाइड हो गया तो x(-4), ये मेरा आंसर आ गया। या मैं इसको लिख सकता हूं 4x(-x)। ये दोनों आंसर एक ही चीज लिखे हुए, x(-4) या 4x(-x)। मतलब अगर आप कहते हो कि आपका भाई आपसे छोटा है, या आप अपने भाई से बड़े हो, एक ही बात आप बता रहे हो डिफरेंट एंगल से। एक और सवाल लिखते हैं, एक और सवाल लिखते हैं जी जनाब। 4x(-3x)(8), ये जरा सॉल्व करके दिखाएं मुझे, जल्दी से सबने सॉल्व करना है।
अब जरा गौर फरमाएं, जिसका पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो काइंडली बहुत ही गौर से देखेगा कि आपने करना क्या है, एक्स का नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। हमने क्या करना है, कोशिश करेंगे अगर एक्स इसी साइड पर रहा तो एक्स तो नेगेटिव है, एक्स तो माइनस है, हम एक्स को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं और एट को इस साइड पर लेकर जाते हैं ताकि मेरा एक्स पॉजिटिव हो। आपने हर हाल में यह देखना है कि एक्स आपका पॉजिटिव रहे, तो करेंगे क्या हम 4 माइनस 8, ये इधर प्लस था तो इधर आकर माइनस हो गया और ये इधर माइनस था तो उधर जाकर प्लस हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक्स को पॉजिटिव बना लिया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, 4 माइनस 8 माइनस 4 ग्रेटर देन 3x। और अब मैं क्या करूंगा कि 3 को इधर आकर डिवाइड कर दूंगा, तो -4/3 -4/3 ग्रेटर देन एक्स, या ये मेरा आंसर ठीक है या फिर x < -4/3, या ये आंसर ठीक है, ये एक ही बात है। अब मुझे बताओ, आपने जो मैंने आपको तरीका ट्रिक बताया है वो ट्रिक ये है कि अगर आप ना एक्स को पॉजिटिव ना करते तो आपको एंड पे जाकर साइन चेंज करना पड़ना था। एक बात याद रखो, एक्स के साथ अगर नेगेटिव नंबर आ जाए एक्स के साथ तो एंड पे साइन चेंज करना जरूरी हो जाता है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करवाता हूं आपको, ठीक है, दूसरे तरीके से भी मैं सॉल्व करवाने लगा हूं, जरा आप ध्यान से देखना। अगर मैं ये करता -3x को इधर ही रहने देता और 8 - 4 कर देता, मेरे पास आंसर आता 3x - 3 ग्रेटर देन 8 4। अब मैंने -3 को उधर लेकर जाऊंगा और एक बार याद रखें, अगर x के साथ नेगेटिव आ जाए, जब भी x के साथ नेगेटिव खत्म करेंगे, जब भी आ जाए तो साइन चेंज करना होता है। क्या करना होता है, साइन चेंज करना जरूरी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, x < -4/3, तो आप देखें ये वाला आंसर बन रहा है या नहीं, और इसको अपोजिट आंसर ये बन जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ लग गई है कि आपने कोशिश क्या करनी है, अपना एक्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। अगर एक्स आपका पॉजिटिव रहता है आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अगर आपका एक्स पॉजिटिव आता है तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब अगला एक सवाल और मुझे करके दिखाएं ताकि आइडिया हो जाए मुझे भी कि आपको समझ लग गई है। जी जनाब, क्वेश्चन मेरा ये है, 5x - 10 < 7x + 20, सॉल्व करो इसको, जल्दी से इसको सॉल्व करो। हाँ जी जनाब, पूर्वा का आंसर आ गया है, बाकी आप देखते हैं किस किस का आंसर हो गया, अब्दुल रहमान का भी आ गया लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहे, देखते हैं। अपने अपने आंसर जल्दी से सबमिट करवाओ, सबने करवाना है, रिमशा आपने भी करवाना है क्योंकि आपके लिए तो रिवीजन हो रही है, और शाहमीर आपने भी करवाना है आंसर जमा, सबने अपना अपना आंसर जमा करवाना है। x > -15, देखते हैं, अब जरा गौर फरमाए, देखते हैं किसका आंसर ठीक है। कुछ -15 < x यानी डिफरेंट आंसर दे रही हैं, हम अपना आंसर देखते हैं किसके साथ मैच करता है। सबसे पहले मैं x को यहां पर लेकर जाऊंगा, ठीक है, x को इस वजह, क्योंकि अगर मैं 7x को इधर लेकर गया तो वो तो नेगेटिव x हो जाएगा, मैंने x को पॉजिटिव रखना है, तो मैंने क्या किया, -10 - 20 < 7x - 5x, ये मैंने किया ताकि मेरा x पॉजिटिव हो जाए।
अगर नेगेटिव हो भी जाएगा तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, और कोई मसला नहीं है। अगर नेगेटिव हो भी जाता है तो कोई बड़ी बला नहीं आ जाएगी, मैंने सिर्फ साइन चेंज करना होगा। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया -30 लेस देन 2x, तो इतना का डिवाइड कर दिया -30/2 लेस देन x, और उसके बाद -15 लेस देन x, -15 लेस देन x, या दोनों आंसर में से देखना है पेपर में कौन सा है, x ग्रेटर देन -15, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, -15 लेस देन x या x ग्रेटर देन -15, दोनों आंसर पॉसिबल हैं, दोनों में से कोई एक आंसर होगा ऑब्वियसली, राइट। चलो जी, इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन लिखें, फिर हम डबल इनइक्वालिटी में आ जाएंगे। जी लास्ट क्वेश्चन ये है कि 3x या 5 -7x ग्रेटर देन 12 -4x। जी मेरे भाई, इसको सॉल्व करो जरा जल्दी से, मुझे सॉल्व करके दिखाएं। यहां पर आपकी कॉमन सेंस का भी इम्तिहान है, कुछ लोगों को तो अंदर से आवाज आना शुरू हो गई होगी कि ये सहूलत फिल वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करें। अब ना अपना इंटरनेट यार बड़ा स्ट्रांग रखा करो, बहुत ज्यादा लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे होते हैं। जी कुछ लोगों के तो आंसर आना भी शुरू हो गया, और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, हम देखते हैं फिर। अब वैसे तो मैं एक बात कहूं, आप जिस तरह से भी करो, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना तो कोई इशू नहीं है, आप जैसे भी करो, अगर x के साथ नेगेटिव साइन एंड पे आ रहा है तो साइन चेंज कर देंगे, वरना वैसे ही चलेंगे। अब हम कह रहे हैं कि क्या 5 -12 ग्रेटर देन -4x +7x, हम उस साइड पर जाना है जिसमें हमारा x पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर नेगेटिव भी हो जाएगा तो हमने फिर भी घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया -7 ग्रेटर देन 3x, और आंसर आ गया -7/3। अब अपना अपना आंसर देखे ओके करें, -7/3 ग्रेटर देन x या x लेस देन -7/3। ओके होगी बात, हाँ जी। अब मुझे बताएं अगर किसी को कोई मसला है, बल्कि अभी मसला बाद में पूछेंगे, अभी हमने डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और फिर चलते हैं। डबल इनइक्वालिटी सिंगल इनइक्वालिटी से ज्यादा आसान होती है, याद रखें। डबल इनइक्वालिटी में कोई चीज की फिक्र ही नहीं होती, सिर्फ सॉल्व करना होता है बस। ठीक है, तो लिखते हैं जरा, सपोज दैट मेरे पास है 3x +2 लेस देन इक्वल टू का साइन हो या ना हो कोई चक्कर नहीं है, 5x -1 2x +3, राइट। अब है डबल इनइक्वालिटी, जब भी डबल इनइक्वालिटी का सवाल करना होगा तो हमने क्या करना है, एक जो मिडल में हमारे पास इक्वेशन आ रही है
उसको दोनों के साथ पुट कर देना है, जो मिडल में इक्वेशन आ रही है, मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसको एक दफा इसके बराबर रख देना है और एक दफा इसके बराबर, मतलब एक दफा हमने लिखना 5x minus 1 is equal to 3x plus 2 और एक दफा हमने करना है 5x minus 1 is equal to 2x plus 3। मतलब कोई साइंस नहीं लड़ानी, सिंपल, जो भी अगर डबल इनइक्वालिटी है तो मिडल में जो भी इक्वेशन आ रही है उसको दोनों के बराबर रख के सॉल्व कर लेना है और इसमें कोई साइंस का चक्कर ही नहीं है, जो मर्जी होता जाए होने दे। जैसे हमने लिखा 5x minus 3x is equal to 3 और 5x minus 2x is equal to 4, राइट? चाहे ये नेगेटिव हो जाए चाहे ये पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है और इक्वल के साइन में कोई चक्कर नहीं होता। तो ये हमारे पास आ गया 5x is equal to 3 और x is equal to 3 by 2 या 1.5, एक ही बात है। यहां पर हमने देखा 3x is equal to 4 और x is equal to 4 by 3 या इसको हम लिख सकते हैं 1.333 इस तरह। हमने अब सोचना ये है कि इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है, बस इसके अलावा और कोई चक्कर नहीं है। हमने लिखते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, हमें पता है छोटी वैल्यू है 4 by 3, तो आपने 4, इसको दो आंसर है इसके भी लिखने के, 4 by 3 less than x less than 3 by 2, पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे और फिर बड़ी वैल्यू, या अगर पहले बड़ी वैल्यू लिखनी है ना तो फिर दरमियान में साइन भी ग्रेटर देन के आएंगे दोनों साइड। अगर आपने बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है तो फिर साइन भी पहले दरमियान में ग्रेटर के आएंगे। तो डबल इन इक्वालिटी बहुत आसान है, डबल इन इक्वालिटी बहुत आसान है कि आपने क्या करना है, मिडल वाली इक्वेशन को बराबर रख देना है, बराबर रखकर सिंपल छोटी, अगर दरमियान में इन लेस देन के साइन है तो पहले छोटी वैल्यू और अगर दरमियान में एक बड़े ग्रेटर का साइन है तो पहले बड़ी वैल्यू, और लिखना इसी फॉर्म में और कोई सोचना नहीं है आपने, ठीक है मेरे भाई? तो जनाब एक सवाल लिखे जरा, इसको सॉल्व करके मुझे दिखाएं ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोग माशाल्लाह बेहतर हो गए हो पहले से। तो लिखे जरा 2 माइनस 3x लेस देन 4 प्लस 7x लेस देन 3 माइनस x। जल्दी से मुझे सॉल्व करके दें। अरे
जी मेरे भाई, आपने आंसर्स एक ही बता दे, लेस देन वाला, लेस देन वाला ही बता दें फिलहाल, फिलहाल लेस देन वाला ही बता दें। ओके चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, सारे जरा मिलके देखें। जी जनाब, अब जरा सॉल्व भी कर देता हूं मैं इस इनइक्वालिटी को। क्या किया हमने, 4 + 7x को, 4 + 7x को बराबर रख दिया एक दफा 2 - 3x के, और एक दफा 4 + 7x को रख दिया बराबर हमने 3 - x के। ये मेरे पास आ गया 10x इज इक्वल टू टू, लुक इट, -2, 10x इज इक्वल टू -2, और x इज इक्वल टू -2/10 या -1/5, x इज इक्वल टू -2/10 या -1/5। ओके की बात, और यहां पर हमने क्या किया, 7 - x 8x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, अब -1/8 इसको ना पहले इसमें लिख लिया करो ताकि आपको पता चल जाए छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, ताकि कोई परेशानी ना हो। और ये है 0 - 0.125। अब नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है, नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होती है वो एक्चुअल में छोटी वैल्यू होती है, तो हम पहले छोटी वैल्यू को लिखेंगे -1/5, पॉइंट में पेपर में होगा तो पॉइंट में लिख देंगे, लेस देन एक्स लेस देन -1/8, इक्वल का साइन लिखो ना लिखो उसकी कोई चक्कर नहीं, ये हमारा आंसर है। जी मेरे भाई, अब मुझे कोई बंदा बताए कि जिसको जो बात समझ नहीं लगी वो अपना माइक ऑन करे या मुझे मैसेज करके बताए, कोई ऐसा बंदा जिसको अभी भी इनइक्वालिटी में कोई इश्यू है तो हम उसको देख लेते हैं। डन है सबका? चलें जी ना, फिर कुछ क्वेश्चन लिखें जो आपने कल करने हैं और मैंने चेक करने हैं और उसके बाद ही आगे जाएंगे। अच्छा मैं ना आपको बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप में सारे शामिल हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐसा बंदा जो शामिल ना हो, तो अब ऐसा है कि मैं आपको ना एक आईडी सेंड करता हूं, बल्कि कल तक आईडी सेंड बन जाएगी तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। उस पे आपने करना क्या है, एक काम करना है कि जितना भी होमवर्क होगा ना उसके ऊपर अपलोड किया करना है ताकि डेली बेस पे चेक किया जा सके। और अगर आप व्हाट्सएप करते हो ना मोबाइल ही भर जाता है इतनी वो फाइल्स के साथ साथ, ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा फाइल्स हमने चेक नहीं करनी, तो वो उस आईडी के ऊपर सेंड कर दोगे ना तो वो साथ साथ ही होता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखे जो आपने कल घर से करने हैं जी, वो लिख लें। 3x -1 < 4 - 8x पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 4x + 10 लेस देन एक्स, तीसरा क्वेश्चन 4 - 3x ग्रेटर देन 8 - x, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स ग्रेटर देन 3 - x, फिफ्थ क्वेश्चन 8x - 1 ग्रेटर देन 9x - 3, सिक्स क्वेश्चन 4x - 1 < x + 10 < x,
बल्कि 3x माइनस वन क्वेश्चन नंबर सेवन 3x माइनस टेन लेस देन 4x माइनस वन लेस देन एक्स। एट्थ क्वेश्चन 8x प्लस टू ग्रेटर देन 5x प्लस वन ग्रेटर देन 3x माइनस थ्री। नाइन्थ क्वेश्चन 3x माइनस थ्री लेस देन 4 माइनस 3x लेस देन 8x प्लस वन। और लास्ट आज का क्वेश्चन 2x माइनस थ्री लेस देन x लेस देन 5x माइनस 8। तो ये 10 क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। इन 10 क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। क्लियर होगी बात, डन होगी बात? चले मेरे भाई, तो कल इंशाल्लाह फिर हम लीनियर फॉर्मिंग के ग्राफ की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज।